Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाराष्ट्र में आखिरकार राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। सवाल ये है कि अब राज्य में क्या विकल्प बचते हैं। तो राज्य में जो फिलहाल विकल्प बचते हैं उसमें एक विकल्प तो ये है कि किस तरह से जो पिछले दो दिनों से कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ में मिलकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बहुत ही किंतु परंतु है। कांग्रेस इस पूरे मसले पर काफ़ी उलझन में है। कांग्रेस का एक धड़ा कुछ और चाहता है, दूसरा धड़ा कुछ और चाहता है। एनसीपी भी कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में अपने पत्ते खेलते नजर आई। तो इस बीच में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। तो एक विकल्प तो ये बचता है कि ये तीनों दल मिलकर राज्यपाल के पास में जाएं कि अब हमारा सब कुछ साफ हो गया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है, हमारे पास नंबर्स की ये लिस्ट है और राज्यपाल महोदय हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। एक विकल्प ये हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही किंतु परंतु अभी भी बहुत सारे ढेर सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं। दूसरा विकल्प ये है कि राज्य में जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आने वाले दिनों में कई महीनों में हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लंबा खींचे। वैसी स्थिति में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बाकी दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशे, या उसको साफ शब्दों में कहें कि विधायकों की तोड़फोड़ करके वो एक सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। इसमें एक संभावना ये भी बनती है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जिस तरह से इस पूरे मसले में उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता दिखी है, वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी पोजीशन से पीछे जाकर बीजेपी के पास में आएं और बीजेपी के साथ सरकार फिर से बीजेपी के टर्म्स पे बनाएं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि बीजेपी जो इस समय सबसे जो वनरेबल एक ब्लॉक है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, तब तक राष्ट्रपति शासन चलता रहेगा। और तीसरी स्थिति जो बीजेपी एक्सप्लोर कर सकती है वो ऑप्शन है कि फ्रेश इलेक्शन में जाने का, यानी कि एक ताज़ा चुनाव में जाने का, और बीजेपी अपने दम पर यानी कि अकेले चुनाव को लड़े और सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करके एक बेहतर पोजीशन में यानी कि सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है उसको पाने की कोशिश करे। ये सबसे अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन बीजेपी हाईकमान इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान में बीजेपी सरकार बनाने के किसी विकल्प पे नहीं पहुंचती है विधायकों की तोड़फोड़ से या शिवसेना की सहायता से। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।